माय डियर फ्रेंड्स फ्रेंड्स नारायण बायोलॉजी क्लासेस न्यू 2021 को देखते हुए एक नया मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा है, जिसका टारगेट है कि 12 सितंबर से पहले यानी अप टू 10 सितंबर तक पूरी की पूरी बायोलॉजी मॉक टेस्ट के थ्रू हम लोग पढ़ लें। तो ये मॉक टेस्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट है, जिसमें क्वेश्चन तो आपको कराया ही जाएगा, ब्रीफ में उस क्वेश्चन का आंसर क्यों हुआ है उसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये मॉक टेस्ट जो है कि क्वेश्चन के साथ साथ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी है उस क्वेश्चन का, और एक दिन में इस मॉक टेस्ट सीरीज में एक दिन में एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको कंप्लीट किया जाएगा। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, और उस दिन उस टॉपिक से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स जो नीट में आकर्स क्वेश्चन से आए हुए क्वेश्चन से उनको उसी दिन ही कंप्लीट कर दिया जाएगा। यानी वन वीडियो लेक्चर, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड ऑल क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट टॉपिक इज कंप्लीटेड दैट डे इन दैट वीडियो लेक्चर्स। तो माय फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेसन फर्स्ट यानी कि नीट की सिलेबस का जो टॉपिक है, मतलब नीट की सिलेबस में द लिविंग वर्ड यह है, और क्लास एलेवेंथ में का ये फर्स्ट टॉपिक है, क्लास एलेवेंथ का ये फर्स्ट टॉपिक है द लिविंग वर्ड। और लिविंग वर्ड को हमने तीन टॉपिक में डिवाइड किया है। लिविंग वर्ड जो सिलेबस है नीट का उसको हमने तीन टॉपिक में डिवाइड किया है। एक टॉपिक फर्स्ट है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, टॉपिक सेकेंड जिसमें क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है, और टॉपिक थर्ड जिसमें टैक्सोनॉमिकल एड है। अब यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से इस टॉपिक को ख़त्म कराया जाए, मतलब लिविंग वर्ड को ख़त्म कराया जाएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट हम स्टडी करेंगे टॉपिक फर्स्ट जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यहाँ से जो प्रीवियस ईयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो 2018 में पूछा हुआ है यहाँ से टॉपिक फर्स्ट से कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द प्रूवन हेल्पफुल इन द प्रिजर्विंग पॉलन ग्रेन एज ए फॉसिल्स। फॉसिल्स को पॉलन ग्रेन के रूप में प्रिजर्व करने के लिए किस इन चारों दिए गए ऑप्शन में से कौन हेल्पफुल है? तो इसका आंसर है स्पोरोलेनिन। स्पोरोलेनिन एक ऐसा प्रोटीन है या एक ऐसा सब्सटेंस है जो पॉलन ग्रेन में पाया जाता है और पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो अगर हम पॉलन ग्रेन को देखें तो पॉलन ग्रेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनता है, ये पॉलन ग्रेन है और पॉलन ग्रेन के ज़ूम करके स्ट्रक्चर बनाया गया है। पॉलन ग्रेन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसकी जो कोट है, आउटर कवरिंग है, ये दो लेयर से बनी होती है, एक होता है एग्जाइन और एक होता है इंटाइन। तो एग्जाइन जो होती है उसी में ये पाया जाता है कौन, स्पोरोलेनिन। स्पोरोलेनिन जो होता है सेलुलोज माइक्रोफाइबर और हेमी सेलुलोज तथा पेक्टिन से मिलकर बना होता है, और ये मोस्ट रेजिस्टेंस सब्सटेंस है टू एसिड एंड अदर एल्कली सब्सटेंस। तो स्पोरोलेनिन वह मटेरियल है जो कि डिग्रेडेड नहीं हो पाता एंजाइम के द्वारा, स्ट्रांग एसिड के द्वारा और एल्कली के द्वारा, और इसलिए ये पॉलन ग्रेन को फॉसिल के रूप में प्रिजर्विंग करने में हेल्पफुल होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका आंसर इसीलिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, सी स्पोरोलेनिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो बोर्ड में आया हुआ है कि इट इज़ द मोस्ट ईजियर फॉर द स्मॉलेस्ट एनिमल टू रन
अफिल देन दैट फॉर ए लार्जेस्ट एनिमल विकाज। ये क्वेश्चन कर रहा है कि स्मॉलेस्ट जो एनिमल्स होते हैं वो रन अपहिल, अपहिल मतलब ऊपर की तरफ या जो भी पर्वत वगैरह है उस पर बहुत तेज़ी से रन करते हुए चढ़ जाते हैं, लेकिन लार्जेस्ट एनिमल ऐसा नहीं कर पाते। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि स्मॉलर एनिमल हैव हायर मेटाबॉलिक रेट। स्मॉलर एनिमल के पास क्या होता है, हायर मेटाबॉलिक रेट होता है, और इसलिए उनमें हाई एनर्जी बनती है, और हाई एनर्जी की वजह से वो हाई एनर्जेटिक एनर्जेटिक महसूस करते हैं, और वो अपहिल मूवमेंट भी आसानी से दौड़ करके कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसा कंसेप्ट भी है कि स्मॉल साइज एनिमल और लार्ज साइज एनिमल में अंतर क्या है, कि जो स्मॉल साइज एनिमल होते हैं उनमें मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो हायर होती है, जबकि लार्जर साइज एनिमल में मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो कम होती है। यही कारण है कि स्मॉल साइज जो एनिमल है वो अपहिल जो रन है बहुत तेज़ी से करके चले जाते हैं, जबकि लार्ज एनिमल ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ स्मॉल एनिमल और लार्ज एनिमल जो होते हैं इनमें बॉडी टू सरफेस एरिया एक रेशियो है, जिससे के ऊपर ये भी डिपेंड करता है कि हीट लॉस किससे ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बेसल मेटाबॉलिक जो रेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉडी साइज की, और यही कारण है कि स्मॉलर जो एनिमल हैं उनकी बॉडी साइज तो छोटी होती है, लेकिन इस फार्मूला के अनुसार इनकी मेटाबॉलिक रेट क्या होती है, हाई होती है, और इसलिए इनमें हाई एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, जिससे ये अपहिल मूवमेंट बहुत तेज़ी से दौड़ के कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फ्रेंड्स कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग एस्पेक्ट इज ए इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। कह रहा है कि निम्न में से कौन एक इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो पहला, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आकर इन विट्रो, नहीं इसका भी एक्सेप्शनल है, इन विट्रो तो होना ही नहीं चाहिए, इन वीवो होना चाहिए, इंक्रीज इन बॉडी वेट भी नहीं है। इसका एग्जाम आंसर हो जाएगा परसेप्शन ऑफ द इवेंट हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट एंड देयर मेमोरी। ये लिविंग प्रॉपर्टी है, लिविंग जो थिंग्स है वही किसी चीज़ को यानी इन्वायरमेंट के में जो रिस्पांस होता है, जो स्टिमुलस होता है उसके प्रति रिस्पांस जनरेट करते हैं, और साथ ही साथ मेमोराइज भी करते हैं इन्वायरमेंट में जो भी इवेंट घटित होते हैं। तो लिविंग प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो लिविंग प्रॉपर्टी कई हैं, जैसे ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, हेरिडिटी है, होम्योस्टेटिस है, मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलस है। इनमें सबका एक्सेप्शन है, लेकिन रिप्रोडक्शन का कोई एक्सेप्शन नहीं है, रिप्रोडक्शन विदाउट एनी एक्सेप्शन कह सकते हैं कि लिविंग है। तो ये सब लिविंग प्रॉपर्टी है, और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा या लिविंग थिंग हैव एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड देयर इन्वायरमेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्टिमुलेशन, बट नॉन लिविंग में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है कि इन्वायरमेंट में कोई चेंज हो तो रिस्पॉन्स करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है डियर स्टूडेंट माई फ्रेंड्स, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ, मतलब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, सेलुलर लेवल से, ऑर्गेनिज्म लेवल से, एटॉमिक लेवल से, या सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिकुलर लेवल से। तो माय फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिकुलर लेवल इसका आंसर हो जाएगा। अब क्यों, क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि सब एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, सब एटॉमिक सब्सटेंस मिलते हैं, तो मिलता है बनता है एटम, फिर एटम से बनता है मॉलिक्यूल और कंपाउंड, फिर उससे बनता है ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से आर्गन, आर्गन से आर्गन सिस्टम, और आर्गन सिस्टम से क्या बनता है ऑर्गेनिज्म। अब सब एटॉमिक क्या है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, सब एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, सब एटॉमिक मॉलिकुलर लेवल से, जैसे कि वायरस भी हैं और बैक्टीरिया भी हैं, इनसे भी स्टार्ट हो सकता है। फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्यों, क्योंकि रिप्रोडक्शन ही वो इवेंट है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, रिप्रोडक्शंस में लिविंग की प्रॉपर्टी होती है, और रिप्रोडक्शंस में
एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करता है। रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म का बोर्न करता है या बर्थ करता है। ठीक है, अब देखिए तो रिप्रोडक्शन में जो है कि सर्वल लिविंग फैक्टर्स हैं, नॉन लिविंग फैक्टर और लिविंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें रिप्रोडक्शन वन अमंग देम इज द एग्जांपल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग बींग। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट कि एंजियोस्पर्म हैव डोमिनेट लैंड फ्लोरा प्राइमरी बिकॉज ऑफ देयर, कह रहा है कि एंजियोस्पर्म है ये डोमिनेट रूप से लैंड सरफेस पे पाए जाते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे रीजन ये है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पावर ऑफ एडेप्टेबिलिटी इन डाइवर्स हैबिटेट। अलग अलग हैबिटेट में एंजियोस्पर्म प्लांटों की पाए जाने की एबिलिटी है और यही कारण है कि ये अनफेवरेबल कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं, डाइवर्स इन्वायरमेंट में भी ये रहने की इनके अंदर क्या है, क्षमता है। और अलग अलग इन्वायरमेंट में पाए जाने की वजह से भी इनमें कुछ प्लांट हाइड्रोफाइट होते हैं, कुछ मेजोफाइट, कुछ जीरोफाइट्स और कुछ हैलोफाइट्स होते हैं। यही कारण है कि एंजियोस्पर्म को कहा जाता है कि एंजियोस्पर्म में एडवर्स इन कंडीशन में एडाप्टेबिलिटी होने की कैपेसिटी पाई जाती है और यही कारण है कि ये डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर जाते हैं। नेक्स्ट थिंग है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव ऑब्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड, करा है कि वो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीडेशन करके रिड्यूस इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन करके एनर्जी ऑब्टेन करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसको कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। अब कीमो ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके और उससे निकली हुई एनर्जी को से ये सर्वाइव करते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि कीमोट्रॉप्स होते हैं। कीमोट्रॉप्स जो ऑर्गेनिज्म है वो लाइट इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। ये इन्वायरमेंट में जो रिडक्टेंट की तरह जो सब्सटेंस है रिड्यूस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसी को ऑक्सीडाइज करके और उसी से एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं और सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि व्हाट इज द ट्रू फॉर लिथोट्रॉप्स। लिथोट्रॉप्स के लिए क्या ट्रूथ है? चार ऑप्शन दिया है और चार में से क्या ट्रूथ है डियर स्टूडेंट आपको बताना है कि लिथोट्रॉप के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द ट्रूथ। तो लिथोट्रॉप ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम हाइड्रोजन एंड फ्रॉम अदर काम ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिथोट्रॉप इसका आंसर हो जाएगा लिथोट्रॉप ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम रेडिएशन एंड अदर हाइड्रोजन एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। और लिथोट्रॉप ऑर्गेनिज्म कई टाइप के होते हैं, उसमें एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्रोमेटियम ओकोनी और ये जो बैक्टीरिया है ये लिथोट्रॉप्स होता है और ये बैक्टीरिया क्या करता है कि ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का फॉर्मेशन कर देता है इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से और रेडिएशन के एनर्जी से ये बना लेता है। अगला 9th नंबर का क्वेश्चन है कि फर्स्ट लाइफ ऑन द अर्थ वाज, कहा जाता है कि धरती पे कौन सी लाइफ पहले ओरिजिन हुई थी, पहले कीमोट्रॉप आए थे कि फोटो ऑटोट्रॉप की ऑटोट्रॉप्स या साइनोबैक्टीरिया। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया इज द फर्स्ट लाइफ विच ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। ऐसे कुछ आप जो पांड वगैरह है वहाँ पर ऐसे आप देखेंगे ग्रीन कलर का हो जाता है कभी कभी पांड, तो ये किसके वजह से होता है? तो ये होता है साइनोबैक्टीरिया के वजह से ये होता है, ये एक्सेसिव ग्रोथ हो जाता है जब साइनोबैक्टीरिया का तो पांड वगैरह का वाटर क्या हो जाता है इस तरह से कुछ ग्रीनिश हो जाता है देखने में। अब ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये ही जो है कि फर्स्ट टाइम जो है कि अर्थ की ओरिजिन, जब अर्थ पर लाइफ की ओरिजिन हुई तो ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट जीव है जो फर्स्ट लाइफ है जो अर्थ पर इनका ओरिजिन हुआ। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग सिस्टम इज टू,
करा कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार दिए गए ऑप्शन हैं, इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या फीचर है। तो इसका आंसर हो जाएगा, डियर स्टूडेंट, रिप्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी रिप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है। तो रिप्लिकेशन क्या होता है, तो डीएनए से डीएनए बनाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनाने की प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो मोस्ट डेवलप्ड एनिमल हो, उनमें रिप्लिकेशन होता है। तो रिप्लिकेशन जो है कि एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कॉपी बनाने में हेल्प करता है, और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11th है, और 11th ये पूछा है कि द बुक जेन्ना प्लैटिनम वाज रिटन बाय, जेन्ना प्लैटिनम बुक को किसने रिटन किया, इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, इसको बुक जेन्ना प्लैटिनम को रिटन किया था बेंथम एंड हुकर ने, और इन्होंने फर्स्ट टाइम प्लांट को क्लासिफाइड किया था और जेनेरा पेंटेनम के बारे में लिखा था। कौन? बेंथम एंड हुकर ने। बेंथम एंड हुकर जो बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है कि इस बुक को लिखा था जेनेरा प्लांटेनम को, और उसमें एक और जो बायोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है जोसेफ डाल्टन हुकर, इन दोनों ने मिल करके इसको लिखा था। तो आंसर 11th का हो जाएगा डी। 12th नंबर का जो क्वेश्चन है, 12th नंबर का क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ फॉसिल डियर स्टूडेंट इज कॉल्ड प्लेंटोलॉजी। प्लेंटोलॉजी वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, और प्लियो का मतलब ही होता है एंशियंट, और एंशियंट टाइम में जो बायोलॉजिस्ट जो फॉसिल्स वगैरह प्रेजेंट हैं उन्हीं की स्टडी करने वाली साइंस की ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, प्लेंटोलॉजी कहते हैं। अब प्लेंटोलॉजी में हम जो है कि ये जूलॉजी का ब्रांच है, और ये जूलॉजी के ब्रांच के थ्रू हम फॉसिल्स का स्टडी करते हैं, और फॉसिल की स्टडी, द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड प्लेंटोलॉजी, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लेंटोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, वो ये है कि होम्योस्टेसिस इज ऑर्गेनिज, होम्योस्टेसिस क्या है। तो होम्योस्टेसिस इज ए टेंडेंसी ऑफ ऑर्गेनिज टू रेजिस्ट द चेंज इन द एनवायरमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी इसका आंसर हो जाएगा। अब होम्योस्टेसिस में क्या है कि बॉडी में अगर एनवायरमेंट में कोई चेंज हो रहा है तो उसके अनुसार बॉडी क्या करती है, रिस्पांस जनरेट करती है। जैसे एग्जांपल अगर रख लें तो मान लीजिए अगर बॉडी का टेम्परेचर फेल हो रहा है तो उस समय हमारी बॉडी क्या करेगी कि ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगी, हीट को कंजर्व करेगी, स्वेट ग्लैंड से स्वेट को बुलाने को रोक देगी। ये सब करेगी जिसके वजह से बॉडी में हीट जनरेट होंगी, और फिर बॉडी क्या हो जाएगी, हीटेड हो जाएगी, जिससे कि एक बॉडी का प्रॉपर जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो मेंटेन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का आंसर हो जाएगा बी, होम्योस्टेसिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर और देयर नॉर्मल बॉडी कंडीशन इवन चेंज टेक्स प्लेस इन द एनवायरमेंट। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि इम्प्लाई ऑफ द रेडिएशन प्रिंसिपल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेसेस इज कॉल्ड, करें कि इम्प्लाई हेरिडिटी प्रिंसिपल को अगर ह्यूमन रेसेस को इम्प्रूव करना चाहें, अगर उसको इम्प्लाई करते हैं तो उस किसके अंतर्गत करते हैं, यूथेनिक्स के अंतर्गत, यूफेनिक्स के अंतर्गत, इथोलॉजी की यूजेनिक्स के अंतर्गत। तो डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा यूजेनिक्स। यूजेनिक्स वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें ह्यूमन रेसेस को इम्प्रूव किया जाता है हेरिडिटी प्रिंसिपल को अप्लाई कर करके। अब यूजेनिक्स में क्या किया जाता है, यूजेनिक्स में प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी ऑफस्प्रिंग किया जाता है जिसके वजह से अच्छे क्वालिटी के जो जीन्स हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, और बैड क्वालिटी के जीन्स को रोक करके उनको इन्वायरमेंट से रिलीज किया जाता है, चाहे वो
मेल अगर बैड क्वालिटी का है तो उसको स्टराइक वगैरह कर दिया जाए चाहे कहीं। तो वही है कि पॉजिटिव जेनिक्स में जो अच्छे क्वालिटी के जीन से इनको इनक्रेज किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो जीन एनवायरनमेंट में ट्रांसफ़र हो, जबकि निगेटिव यूजेनिक्स में जो बैड क्वालिटी जीन है उसको रोका जाता है चाहे स्टरलाइजेशन के थ्रू या कोई अदर मेथड के थ्रू इसको रोका जाता है। अगला 40 नंबर का आंसर हो जाएगा, यानी कि 40 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, यूजेनिक्स वो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम बैड क्वालिटी के जीन्स को क्या करते हैं, रोकते हैं, और गुड क्वालिटी के जीन्स को हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा उसका ट्रांसमिशन हो इसलिए उसे इनक्रेज करते हैं। और इस टॉपिक का लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पेसिस वाज पुट फॉरवर्ड बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, लीनियर्स जो थे इन्होंने स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पेसिस दिया था, और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल इनके द्वारा कंसेप्ट था, मोनोटॉपिक या स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पेसिस जो 19th सेंचुरी में इन्होंने दिया था, कौन, लिनियस ने इसको दिया था। और 1735 में इन्होंने क्या किया, स्पेसिस नेम एक स्पेसिस जो है कि वर्ड दिया। तो कार्ल वाल लिनियस वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बाइनोमियल नामकरण सिस्टम भी प्रपोज किया, और इनके द्वारा जो बुक है जिसमें ये दिया गया था वो है स्पेसिस प्लांटेरियम, ये भी पूछा जा सकता है। इन्होंने कहा कि वेरिएशन स्पेसिस में हो सकते हैं लेकिन कोई स्पेसिस एटोमेटिक एक स्पेसिस से दूसरे स्पेसिस में चेंज नहीं हो सकती है। तो ये इन्होंने स्पेसिस कंसेप्ट दिया, स्टैटिक स्पेसिस कंसेप्ट दिया। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बाइनोमियल नामकरण किसके द्वारा भी दिया गया, ये भी नीट का क्वेश्चन पूछा गया है, तो कार्ल वाल लिनियस ने दिया। और ये भी पूछा गया है कि जो बाइनोमियल नामकरण है उस किस बुक में दिया गया है, तो स्पेसिस प्लांटेरम जो कि कार्ल वाल लिनियस द्वारा लिखा गया है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में एक टॉपिक से जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से हमने डील किया, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाएंगे जिसमें जो सेकंड जो टॉपिक्स है उससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन से जो नीट में आए हुए हैं उस पर आधारित वीडियो हम लेकर आएंगे। एक दिन में एक वीडियो में जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा विथ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो को लाइक करें जिससे मेरा मनोबल बढ़े और ऐसा मैं वीडियो बनाता रहूं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि अगर मैं अगला वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जिससे व्यू बढ़े और मेरा इससे मनोबल बढ़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा और मोर एनर्जेटिक के साथ अगला मैं टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स नेट में पूछा गया है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट।